हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, लॉकडाउन का आज कौन सा दिन है बताओ? लॉकडाउन का क्या है आज? 16 16 तो डेट है यार 12 से लगा है ना। हाँ, 12 से लगा। तुम्हारी मैथ्स इतनी गंदी घटिया। अरे नहीं, आज पांचवा दिन है, ठीक है। आपने क्या क्या किया लॉकडाउन में? लॉकडाउन में बस घर में बैठे रहे और खेल। जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब आप क्या करते थे? तब साइकिलिंग करता था। वो बहुत धूप तेज हो गई है तो साइकिलिंग भी नहीं कर पा रहा। इससे लॉकडाउन का क्या संबंध है यार? धूप धूप तो आएगी ना, अपने आप से आएगी ना, गर्मी तो आएगी ना, है ना। इंटरव्यू खत्म, चलो पैकअप। सच में इंटरव्यू खत्म क्या? हाँ हाँ, बोले आप बोलिए आपका इंटरव्यू। ठीक है। सो दोस्तों, करने को कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हंसी मजाक हम लोग करते रहते हैं। हाँ, एक चीज मैंने सोची है कि लॉकडाउन शॉकडाउन तो ठीक है, थोड़ा सा म्यूजिक का शौक है और म्यूजिक जो है अच्छे अच्छे से टेंशन वगैरह को भी खत्म कर देता है। तो मैंने सोचा है कि इसको ना मैं कैशियो सिखाना शुरू करूं। पहले मैं सिखाती थी इसको, बीच में फिर पता नहीं क्या हुआ, कैशियो इसके कमरे में गया तो फिर ना ये तो अपने कमरे में जाता नहीं है तो वो बेचारा वहीं बंद रहता है। तो अब उसको इस कमरे में शिफ्ट करके इनको रिवाइज कराया जाएगा। 5-6 गाने मैंने इसको सिखा दिए थे अच्छे बढ़िया, आ भी गया था इसे, लेकिन अब सब सफा चट कुछ नहीं आता है, सब भूल गया। 3 ईयर का था तब। हाँ, तो अभी 7 ईयर का हो गया मैं गधा। तो इनको अब मैं कैशियो सिखाऊंगी, थोड़ा टाइम उसमें पास हो जाएगा, थोड़ा सा इसकी आवाज खुलेगी। ये इसको गाने का शौक है लेकिन सुर थोड़े से थोड़े क्या पूरे ही निल। तो उससे ये होगा कि इनका सुर भी ठीक रहेगा, टाइम पास होगा मम्मी बेटू का। और म्यूजिक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, अगर आपको कोई परेशानी हो म्यूजिक सुनिए, टाइम पास हो जाता है, आपका मन बहल जाता है। तो बस यही अब हम लोग करने वाले हैं आने वाले समय में, मतलब कल से। हाँ, कल से, कल। सो दोस्तों, वही ढाक के तीन बात काम चल रहा है, घर की साफ सफाई का, घर में रीअरेंजमेंट थोड़ा बहुत, रूम में जो है गर्मी के हिसाब से कपड़े वपड़े अरेंज करना। अब तो तेज गर्मी पड़ रही है अच्छी खासी, सुनने में तो आया था कि बारिश होने वाली है लेकिन हमारे यहाँ बादल जरूर हुए थे, हल्की हल्की थोड़ी बहुत ठंडी हवा भी थी लेकिन बारिश वारिश नहीं हुई उसके बाद, और गर्मी तो ज्यों के त्यों है। और अच्छा खासा जो है ना कमरा गर्म हो जाता है, तो अब कूलर वगैरह भी लगवाने हैं लेकिन दुकानें बंद हैं इस वजह से कूलर की जो खस वगैरह मिलती है वो चेंज अभी नहीं हो पाएगी। देखते हैं कब तक क्या लगता है, लॉकडाउन के और आगे बढ़ने के चांसेस हैं ऐसा जैसा न्यूज़ में बता रहे हैं। तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है और देखते हैं, कुछ ना कुछ उपाय तो हम लोग निकाल ही लेंगे घर में भी। आखिर पिछले साल भी लगा था लॉकडाउन, अचानक से ही लगा था और सारी चीज़ें बंद थी, वैसा माहौल तो नहीं है, फिर भी काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह खुली हुई हैं, एसेंशियल्स मिल रहे हैं आपको। हाँ, आप अननेसेसरी बाहर नहीं जा सकते तो वो हम लोग वैसे भी ध्यान रख रहे हैं। तो बस करने को कुछ नहीं है और नहीं करने को भी हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे ना गर्मी की जैसे मैं स्किन केयर वगैरह बताती हूँ तो वो देखती ही हैं, उन्होंने कुछ मुझसे समर में जो हम अपने आर्म्स वगैरह के केयर करते हैं, कुछ पाउडर वगैरह होते हैं, कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है पसीने की वजह से, इस समय जो पसीना निकलता है उसकी वजह से, तो उन्होंने मुझसे कुछ उसके लिए उपाय पूछा था। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बकायदे लगभग 1-1.5 साल पहले ही डाली हुई है, शायद पिछले साल डाली थी गर्मियों में या उससे भी पहले डाली हुई है। वो मेरे जितने भी अच्छे खासे पाउडर हैं जो मैंने यूज़ किए हैं अपनी केयर के लिए, वो उसके बारे में मैंने बताया है, बहुत ही अच्छे हैं। मैं खुद वो वीडियो ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं इसी व्लॉग में उसे पिनअप कर दूंगी या लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हर तरह की केयर बहुत ज़रूरी है और जो स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके लिए भी हम लोगों को अवेयर रहना चाहिए। बिल्कुल, स्किन चेहरा जितना ज़रूरी है बाकी के बॉडी पार्ट्स भी उतने ही ज़रूरी हैं। तो मैं वो वीडियो इसमें लगा दूंगी और पर्सनली भी उनको मैं वो भेज दूंगी, तो आप लोग भी जिसको ज़रूरत होगी वो इसमें देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत काम की वीडियो है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो मैं जा रही हूँ अपनी रसोई में,
बनाने अपना कुछ कुछ आइटम। और आज ये वाला जो अचार है ना, इसे भी हम लोग चेक कर देखेंगे, पक गया है अच्छा खासा, खूब अच्छी खुशबू आ रही है, तो आज सबको मैं ये खाने में दूंगी और रिजल्ट देखते हैं क्या मिलता है मुझे मार्क। सो मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी सी रेसिपी के साथ और डिनर के बाद। दोस्तों ये मैंने उबले आलू ले लिए हैं और इसमें मैं बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, थोड़े सा अदरक डालूंगी। आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है, आधा नींबू इसमें डाल दिया है, सारे मसाले जो रेगुलर हम डालते हैं वो डाल लेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर, चाट मसाला और गरम मसाला ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दी है और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें ना काली मिर्च भी ऐड कर रही हूँ और मूंगफली पाउडर भी डालूंगी दोस्तों, उससे मुझे क्रंचीनेस आती है जो वो बहुत पसंद है। और उसके बाद एक बड़ी सी लोई ले ली है, उसे अच्छी तरह से सूखा आटा डालकर, मैंने जितनी बड़ी मेरी चौकी थी उतना बड़ा बेल लिया है, उस पर अच्छी तरह से मैंने ये जो है स्टफिंग फैला दी है और मूंगफली थोड़ी सी और ऊपर से ऐड कर दी है। इसे इस तरह से रोल बनाकर फिर बीच में से इसे हम जितना बड़ा साइज़ आपको रखना उतना कटिंग कर लीजिए और बस इसे हाथों से प्रेस कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा सूखा आटा डालते हैं क्योंकि आलू जो है ना चिपचिपे हो जाते हैं। और थोड़ा सा गरम ऑयल किया है मैंने, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, बस इसे इतने ही गरम ऑयल में हमें डाल लेना है। और थोड़ा सा मैं कढ़ाई ही हिला दे रही हूँ, मैंने फिर इस बार तेल कम डाला है कढ़ाई में, और बस इसे उलट पलट कर सेक कर फिर मैं निकाल लेती हूँ। और इसे मैंने जो अपना नया अचार बनाया है उसके साथ और हरी धनिया की चटनी के साथ मैं सर्व कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी और क्रंची बने हैं दोस्तों, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो दोस्तों कैसा लगा आज का व्लॉग, आज की रेसिपी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।